नेक्स्ट हम है पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर। आप सब जानते हैं रिवर वाटर में सारा सीवेज जो होता है मटेरियल वो डंप कर दिया जाता है, इंडस्ट्रीज का मटेरियल वो डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज क्या हो रही है पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाते हैं और वहाँ की लाइफ जो है मतलब फिशीज हैं, अदर एक्वाटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो भी डेड हो जाते हैं और वो पूरा का पूरा वाटर क्या हो जाता है खराब, बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। देखिए डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू इट रिवर में डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गंगा कॉज बाय द ह्यूमन एक्टिविटी लाइक बाथिंग, वॉशिंग, इमर्जिंग ऑफ एश ऑफ द डेड बॉडीज एक्सेट्रा, उसके थ्रू वहाँ की क्या हो रही है वाटर बॉडीज पूरी तरह से कन्वर्ट हो गई है पॉल्यूटेड वाटर में। टॉक्सिसिटी ऑफ दिस केमिकल्स इन्फ्लुएंस किल द फिशेज बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ केमिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो टॉक्सिन कॉज करते हैं जो कि हमारी अदर फिशेज को लिविंग या एक्वाटिक लाइफ को क्या करते हैं इफेक्ट पहुंचाते हैं इन मैनी पार्ट ऑफ द रिवर। द कंटामिनेशन ऑफ द रिवर वाटर कैन बी यूजली फाउंड फ्रॉम द टू मेन फैक्टर्स। आप अगर कोई वाटर कंटामिनेटेड है उसको मेन टू फैक्टर से इजीली हम क्या कर सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, अगर वहां पर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ज्यादा है इट मीन्स वो बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर है। ठीक है, इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इंडिकेट इट्स कंटामिनेटेड बाय डिजीज, मतलब वहां पर कंटामिनेशन है किसकी डिजीज की। ठीक है, बट इट्स प्रेजेंस इन रिवर वाटर इंडिकेट द अदर मोर हार्मफुल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया माइट बी ऑल्सो बी प्रेजेंट। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो शो कर ही रहा है कि वहां पर पॉल्यूशन क्रिएट है, बट इसके अलावा बहुत सारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी इसका मतलब वहां सर्वाइव कर रहे हैं जो कि हार्मफुल है, इंफेक्टिव या डिजीज कॉज करने वाले हैं। सेकेंड चीज है पीएच ऑफ द रिवर वाटर। नॉर्मली आप सबको पता होना चाहिए जो वाटर की पीएच होनी चाहिए जो हम अपटेक करते हैं वो न्यूट्रल होनी चाहिए, ना एसिडिक नेचर और ना ही अल्कलाइन नेचर। बट अगर वहाँ पे कंटामिनेशन या डिजीज फॉर्मिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो उसकी जो पीएच होगी वो एसिडिक नेचर शो करेगी, बिलो 7 होगी। देखिए बिलो 7 एसिडिक नेचर हैंस पॉल्यूटेड, दे इंडिकेट कि ये पॉल्यूटेड वाटर है। द मल्टी कोर गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन 1985 टू क्लीन द रिवर एंड मेक इट वाटर पॉल्यूशन फ्री। लगभग एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1985 में कि वाटर को क्लीन किया जाएगा और हमेशा क्लीन रखा जाएगा। तो ये तो बात होगी कि किस तरह से वो पॉल्यूटेड हुआ और किस तरह से हम उसको इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे वाटर, एक तो हम वाटर बॉडी से पिक करते ही करते हैं, जो हमारा ग्राउंड वाटर है हम उससे भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वेल एंड ट्यूबवेल बोर वेल आर येट अनदर सोर्स ऑफ वाटर, वही चीज हमें यहाँ डिस्कस करनी है। सबको पता है रेन वाटर परकोलेटेड होके या स्वीप के थ्रू अंडर वाटर को रिफिल करता है या फिर अंडर ग्राउंड बॉडीज को क्या करता है रिफिल करता है, वही चीज यहाँ लिखी है। रेन वाटर सीप अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज फिल, अंडरग्राउंड वाटर बॉडी इज टेकन आउट बाय द डिगिंग अ वेल इनटू द ग्राउंड एंड वेल वाटर डिग करके वहां पर एक कुआं वेल की फॉर्मेशन की जाती थी और उस वेल से क्या किया जाता वाटर को पिक किया जाता था पीने के लिए, खाना बनाने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि वो वाटर कैसा था वो एक फ्रेश वाटर की तरह वर्क करता था क्योंकि सीपिंग के थ्रू या परकुलेशन मतलब छान के, क्योंकि मिट्टी के छोटे छोटे दाने हैं वो पानी को छानने के बाद वो कहां पहुंचाते थे अंडरग्राउंड पहुंचाते थे, दैट्स व्हाई कैसा वाटर था फ्रेश वाटर था, इसलिए उसको पीने में खाने में उन सब चीजों में यूज किया जाता था। अगर डीप ट्यूबवेल करते थे तो मतलब बोरिंग करनी पड़ती थी और धीरे धीरे हमने देखा उस वाटर का मिस यूज हो गया और एक टाइम आया वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा क्या हो गई फ्री हो गई, खाली हो गई, एम्प्टी रह गई, जिसकी वजह से बोरिंग का जो काम था और ज्यादा डीप करने पर ही वाटर अपटेक कर पा रहे थे, अदरवाइज वाटर हम नहीं ले पा रहे थे। तो मैंने कहा यूज इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स ड्रिंकिंग पर्पस बट द वाटर लेवल गेट लोअर टू मच। ठीक है, टू मेंटेन द वाटर टेबल एट अ प्रॉपर डेप्थ इट इज नेसेसरी टू इंश्योर बेटर परकोलेशन ऑफ रेन वाटर इन टू द सोयल। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वाटर बॉडीज दोबारा से रिफिल हो जाए तो हमें ये चीज का ध्यान रखना होगा कि इजिली जो रेन वाटर है वो परकुलेशन के थ्रू उस वाटर बॉडीज को दोबारा से रिफिल कर दे, क्योंकि आपने देखा होगा अब तो गांव में भी एक पक्की सड़क बनने लगी है जिसकी वजह से जो वाटर बॉडीज है क्योंकि जितनी भी हमारी ये रोड बनी है वो परकुलेशन की प्रोसेस नहीं होने देती, दैट्स वाई वो वाटर बॉडीज फिल नहीं हो पाती। जहां पर भी आपकी ऐसी रोड होंगी वो परकुलेशन की प्रोसेस नहीं होने देगी, वाटर बॉडीज फिल नहीं होंगी।
तो मेनली हमें वो चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारी वाटर बॉडीज हैं वो रिफिल हो सके रेन वाटर के थ्रू, तो उन चीजों का भी हमें मेंटेन रखना इम्पोर्टेंट है। द स्कीम कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रोग्राम स्टार्ट किए गए ताकि हम वाटर बॉडीज को क्या कर सकते हैं इजिली रिफिल कर सके। इट्स रिकमेंडेड टू स्टॉप फ्लोइंग रेन वाटर एंड मेक इट परकोलेटेड इनटू द सॉइल मोर एफिशिएंटली, और उस चीज को ध्यान रखते हुए कि रेन वाटर वेस्ट ना हो वो परकोलेशन के थ्रू वाटर बॉडीज अंडर वाटर बॉडीज को क्या कर सके रिफिल कर सके। उस चीज का स्पेशली एक स्कीम निकाली गई रेन वाटर हार्वेस्टिंग कि उस वाटर को वेस्ट ना करके उसको यूटिलाइज किया जाए। तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम पे आपको पढ़ाऊंगी कि किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रोसेस की जाती थी, पहले गाँव में एंड देन अर्बन एरियाज में। थैंक यू एवरीवन।